देखिए दो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं ना न्यू फ्लैट पे शिफ्ट हो गई हूँ और यहाँ पे आके मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पहली चीज़ तो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है यहाँ पे, और दूसरी सेकंड है कि दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ना बहुत सारी नेचुरल लाइट्स हैं। ऐसा सामान हम पुराने फ्लैट से उठा के लाए हैं, नए फ्लैट में वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, कहीं पर कुछ भी हम रख नहीं पा रहे हैं अच्छे से जमा के, क्योंकि कुछ है ही नहीं जमाने के लिए। तो और अभी चल रहे हैं वर्किंग डेज, तो वो नहीं ला पा रहे हैं हम। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी मेरा कैसा फ्लैट दिख रहा है। एक्साइटेड थी कि जाऊंगी वहां पे, अच्छे से जमाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी करने को नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे जमाओ, कहाँ पे क्या चीज रखो, कैसे करो, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ कि कैसा है। और अभी मैं सोच रही हूँ यार, कुछ आज मैं ऑफिस गई नहीं तो मैं कुछ कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे शिफ्ट हुए थे, संडे बहुत थकान हो गई थी, मंडे से ऑफिस चालू हो गई सबकी, तो कुछ नहीं कर पाए। और अभी मैं कुछ कुछ करूँगी, कुछ साफ सफाई करूँगी यहाँ पे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ऐसी पूरा सामान हमारा बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ना कुछ भी स्टोरेज नहीं है रखने के लिए, और वॉल भी ऐसे कहीं पे भी वॉल में ना ऐसा स्टोर करने के कि हम अपनी अपने सामान रख लें। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये रिंग लाइट तो लगाया है, यहाँ पे मेरा ऑफिस का काम भी चल रहा था और सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। सारे रूम में भी ऐसी, उधर भी ऐसी पड़ा हुआ है। एक अलमीरा थी जिसमें हमने कुछ कुछ सामान रख दिया है, बट पूरा तो नहीं आ पाएगा, वो बहुत छोटी सी है। भगवान जी की मंदिर भी ऐसी पड़ी हुई है, उधर भी ऐसे सामान पड़ा हुआ है। इधर हॉल में देखेंगे, हॉल में इधर टीवी लगवानी है, टीवी भी नहीं लग पाई है क्योंकि हमने किसी को नहीं बुलाया। फ्रिज के ऊपर भी कुछ कुछ रखा हुआ है, बर्तन यहाँ पे पड़े हुए हैं, बालकनी में भी बहुत सारा सामान फैला हुआ है, और हमारी मशीन के ऊपर भी सामान रखा हुआ है, और किचन भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इधर देखिए, ये रहा व्यू। आज का बारिश नहीं हो रही है। फिर इसके बाद यार, मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कंटेनर थे जो हम लोग घर से ले आते हैं अचार वगैरह रख के, फिर कभी घर ले ही नहीं जाते हैं, क्योंकि घर जाते टाइम इतना सामान हो जाता है तो फिर ले जाने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे ना सबके साथ होता होगा, जो बाहर बच्चे रहते होंगे तो सभी मम्मियों की कंप्लेन होती होगी कि कुछ डिब्बे वगैरह लेके लौटाते नहीं हो, फिर दें किसमें। तो ये मैंने डिब्बे धो लिए, साथ में बर्तन और किचन भी पूरा क्लीन कर दिया। फिर नहा के मैंने किया पूजा, भगवान को फाइनली रख दिया, क्योंकि 2-3 दिन से बस ऐसे पैक करके रखे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। नहाने के बाद मैंने पूजा करने के बाद फिर मैंने बनाया चाय, दूध पकने के लिए चढ़ा दिया, और साथ में बस बनाऊंगी चाय बस अपने और भाई के लिए, क्योंकि भाई आ गया है ऑफिस से मेरा, तो बस दोनों लोगों के लिए अब मैं चाय बनाऊंगी। साथ में मैं कुछ खाने के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज लग रही है, बहुत टाइम से लग रही थी, बट मैं थी अकेले तो मुझे लग रहा था कि यार क्या खाऊँ क्या खाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मैं बाहर से मंगाई हूँ अपने भाई से पास्ता, और मैं ना आज ऐसा पास्ता बनाऊँगी जैसे मेरी मम्मी बनाया करती थी, एकदम सिंपल वाला घर जैसा पास्ता, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल, और उसमें भी आलू डाल के बनाऊँगी। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, वैसे तो मैं कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो यहाँ पे मेरा पक रहा है पास्ता, साथ में चाय भी पक रही है, तो और मैं साथ में चाय पी रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ना अपना कढ़ाई चढ़ा रही हूँ, उसमें डाली हूँ जीरा, गार्लिक और हरा मिर्चा, प्याज को काट के लंबा लंबा स्लाइस में, और फिर साथ में ऐड कर दिया है आलू, हल्दी थोड़ा सा ऐड करूँगी, और टमाटर डाला है और नमक डाल के ढक दिया है। फिर इसके बाद वेट कर रही हूँ, तो वहाँ पे सामने बैठ के चला रहा है मेरा भाई, फोन मैं भी चला रही हूँ। फिर इधर मेरा आलू तब तक पक गया, तो ये जो पास्ता मसाला आता है ना, बस मैंने एक पैकेट ही डाला था, बस इसी को डाला था और कुछ भी नहीं, ना कोई धनिया पाउडर और ना एक्स्ट्रा कोई मसाले, मैक्रोनी डाल दूँगी फिर और मिक्स करके, और ये बन गया मेरा बहुत ही अच्छा पास्ता, जो खाने में आई थिंक बहुत टेस्टी होगा। तो निकाल के खा के बताती हूँ कि कैसा लगा मुझे। और यहाँ पे हम दोनों बैठ गए हैं लेके थाली अपनी,
और बहुत टेस्टी बना था, सीरियसली बहुत अच्छा बना था, कुछ भी मसाला नहीं बट बहुत अच्छा पास्ता बना था। बस यही था आज का मेरा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।